मेरे प्रिय यीशु सहाय और सब लोग को गुड मॉर्निंग। मेरे प्रिय, इस वक्त आप अपने घरों में हैं, हम भी अपने घरों में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर का ये कृपा है कि इस वक्त हम इस घड़ी एक ऑनलाइन चर्च सर्विस कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय, पिता परमेश्वर की कृपा है कि आप हमें देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब हमें देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय, आप भले कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, अपने घर के काम वो कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए, छोड़ दीजिए और मेरे साथ आइए मेरे प्रिय। और इस घर ही हम अपने आपके लिए, अपने लिए कुछ प्रार्थना करेंगे। और एक बाइबल पकड़ लीजिए और एक रिवाइवल सॉन्ग पकड़ लीजिए और आइए अपने काम अलग से सेपरेट रूम में बैठ जाइए और परमेश्वर को हम याद करेंगे, उसके लिए प्रार्थना, उसके हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर को याद करें। हे अनुग्रह पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय को आपने हमें चुन कर लाया पिता परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा को कर पा रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वक्त पिता परमेश्वर अपने घरों में हैं और इस कैमरे के थ्रू हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें देख मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह तू हमारे संग साथ है पिता परमेश्वर, तू उनके भी संग साथ है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, भरे इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर और एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, लेकिन आपकी सहभागिता पिता परमेश्वर हमारे साथ बनी हुई है। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें देख पिता कि आप इस घर इस समय में पिता परमेश्वर तूने सही सलामत रख पिता। हर एक पिता परमेश्वर जो महामारी की बीमारी पूरे संसार फैले, उसे तू उन्हें बचाए रख पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपना पवित्र आत्मा उनके घर में भेज और चारों तरफ उनका पवित्र आत्मा का पीड़ा बांध पिता। हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी हानि उनको नहीं आने का पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं वरन भलाई की। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी योजना पर विश्वास रखते हैं, उस पर अपनी आशा को रखते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आशा को पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप पर रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, संसार जो कहता है हम उस पर अपनी आशा नहीं रखते पिता, कि वो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर सच बोलने वाले सच्चाई है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप कर अपने आशा को रखते हैं, आप पर अपने भरोसा को रखते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस समय को पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सदा सुनना प्रभु जी, अपने सर के लोच में ग्रहण करना। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, पहले तो मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ कि हम इस ऑनलाइन चर्च कर पा रहे हैं, इस सर्विस कर पा रहे हैं और इसके द्वारा होने हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। हम जानते हैं क्योंकि पूरे संसार में, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में मेरे प्रिय एक लॉकडाउन है और एक लॉकडाउन में हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी लॉक नहीं हो सकता, कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन जगत के कोने कोने तक फैलेगा, ऐसा बाइबल में कहता है। मेरे प्रिय, जब आप उसे आप हमारे संग साथ हैं मेरे प्रिय, अपने ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और इस लॉकडाउन में ऐसे ही बैठे नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर ये समय, खाली समय आपको दिया है कि आप उसके साथ अपनी संगति को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आइए हम कुछ गीतों गाएंगे और परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद देंगे। अगर आपके पास रिवाइवल सॉन्ग है तो रिवाइवल सॉन्ग में गीत नंबर निकाल लीजिए 135, प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा।
यीशु मेरे जीवन का साथी, यीशु मेरे जीवन का साथी। परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, तब जहरीले सांप आए, जहरीले सांप ने उन्हें डसना शुरू किया, और जिन जिन को उन सांपों ने डस रहा था, जिन इज़राइली को उन सांपों ने डस रहा था, वो तुरंत मर जा रहे थे। तब मूसा के पास जाते हैं, और मूसा क्या करता है, मूसा पीतल का सांप बनाता है, पीतल का सांप बनाता है और उसे लटका देता है, और जितने लोग उस पीतल के सांप को देखते हैं वो लोग बच जाते हैं। ये बाइबल में रिकॉर्डेड है, गिनती 21 में आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, वो पीतल का सांप क्या था, वो पीतल का सांप उनका वो प्रतीक था कि वो पीतल का सांप उनके पापों को ले चुका, अब आज हमारे पापों को कौन ले चुका है, यीशु मसीह। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे कष्टों को ले चुका है। मेरे प्रियो, तो वो बीमारी हमें कैसे लग सकती है, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं कि वो बीमारी हमें लग चुकी, तो आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू व्यर्थ बहाया। यीशु मसीह ने अपना लहू व्यर्थ नहीं बहाया, वो लहू आपके लिए बहाया गया है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें कि यीशु मसीह का लहू आपको सारे दुष्ट गुनाहों से, सारी महामारियों से बचा से छुड़ा सकता है, क्योंकि भजन से तय कनाबे में कहता है कि वो तुझे पहली के जाल से और महामारी से बचाएगा। पर
परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना है कि वो हमारे लिए आए, हमारे लिए यहाँ को बहाया। आइए मेरे प्रियो कि जब हम वचन की ओर बढ़ते हैं, हम अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद देंगे कि हम इस वक्त तक इस संसार में जीवित हैं। हम उन बातों के लिए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को जिसके लिए आज तक हमने उसे धन्यवाद नहीं किया। हम इतने समय तक जीवित पाए जाते हैं उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपके जीवन के हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। में हम आपके एक दूसरे
सर्विस को कर पा रहे हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के लिए जो हमें इस वक्त देख पा रहे हैं अपने घरों में सही सलामत है। और विश्वास करते हैं कि आपकी सहभागिता हमारे साथ बनी हुई है और विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर तू इस पूरे संसार में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन बातों के लिए, धन्यवाद पिता। जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम कई तरह से बहुत आयत की आशीष पाए। छोटी सी दुआ आपके बेटे और हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सदा सुनना प्रभु जी और स्वर्ग के राज में ग्रहण करना, आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम बाइबल में से आज का रविवार का मूल वचन निकालेंगे, यशया 41 उसका 10, यशया उसका 41 उसका 10। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ तक आमीन। ये वचन को आप लोग नोट डाउन कर दीजिए और जब संडे स्कूल खुलेगा फिर से तो इस वचन को हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान ले कि योग हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्माया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हो, पिंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने का फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र के स्थानीय कलीसिया, पितरों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। आप सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। आप सभी कैसे हैं?
आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ये समय जब हम लोग ऑनलाइन आराधना को शुरू कर चुके हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी से जुड़े हैं। क्यों ना अपने बाइबल को निकाल लें और कुछ वचनों को देखें, उस पर फोकस करें कि बाइबल का वचन क्या कहता है। चाहे लॉकडाउन की जैसी भी स्थिति हो मेरे प्रियो, वचन का प्रचार नहीं रुकना चाहिए। यही हम चाहते हैं कि हर जगह तक वचन पहुंचे और आप तक भी वचन पहुंचे। आइए हम अपने बाइबल को निकाल लें और हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे। मैं स्मरण दिला दूं कि आज का जो वचन है वो मुख्य वचन हम लोग निकाल लें, यशायाह की पत्री उसका 41वां अध्याय 10 पद। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, यशायाह की पत्री उसका 41वां अध्याय 41 और उसका 10 पद। हम एक साथ पढ़ेंगे, यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की इस विकट परिस्थिति में, जबकि हमारा देश ही नहीं बल्कि ये पूरा विश्व मेरे प्रभु काफी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है, और जब हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर चाहता है कि आप दुआ करें, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें और उस पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि मत डर। आप जानते हैं कि ये मत डर का जो शब्द है ये बाइबल में कितनी बार लिखा गया है पता है? कुल मिलाकर 366 बार। 365 दिन होता है साल में, लेकिन एक ज्यादा परमेश्वर ने आपको दिया। ये क्यों कहा गया? क्योंकि आज सबसे बड़े कमजोरी इंसान की यही है कि हम डरते हैं मेरे प्रभु। यदि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती है हम घबरा जाते हैं। आज वही समय है, चारों ओर डर का बात फैला हुआ है, डर का माहौल है, हम लोग डर रहे हैं। लेकिन ये वचन बताने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने घर से निकल जाइए। ये मेरा वचन बताने का मतलब है कि आप अपने घर में भी रहें, विश्वास के साथ स्थिर रहें। आइए हम एक घटना को देखेंगे जो बहुत ही सीखने योग्य है यीशु मसीह के समय की। वो घटना है, हम लोग नए नियम से निकाल लेते हैं। जल्दी से हम लोग बाइबल में जाएंगे, नए नियम में हम लोग निकाल लेंगे, नए नियम से मरकुस की पत्री, नए नियम से हम लोग देखेंगे मरकुस की पत्री उसका 4:35-41 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4:35-40 पद तक। मेरे प्रिय, ये उस समय की घटना है जब उस यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और उसके चेले उसके साथ सेवकाई करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाना उनका रोज दिन का, हर दिन का ये काम था, और वो वचन प्रचार करते थे, यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहते थे। एक घटना जो यहाँ पर है, आइए हम उसको एक साथ पढ़ें और देखें। मरकुस 4:35-41 बाइबल इस प्रकार कहती है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों से कहा, उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, देखिए उसके चेले उससे क्या कहते हैं, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए
और आप आपस में बोले, यह कौन है, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। 41वां वचन मेरे प्रियो हमने सुना, उसके चेले अचंभित हो गए जब यीशु मसीह ने कहा, आज्ञा दी, आंधी शांत हो, पानी थम जा, सब कुछ शांत हो गया। क्या अद्भुत माहौल होगा उस समय का, जब लोग काफी परेशान थे, पूरे चेले इस बात से चिंतित थे कि हमारा क्या होगा, अब हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। यदि हम मत्ती में पढ़ेंगे, पता है यीशु मसीह ने क्या कहा, उन्होंने उन्हें अल्पविश्वासी कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास की कमी थी। आज का यह समय कुछ इसी तरह का मेरे प्रियो, चारों ओर ऐसी स्थिति है, लेकिन यीशु मसीह कहता है विश्वास करो। और यदि हम आज डरते हैं, हमारा विश्वास कम होता है, तो हम उन्हीं चेलों के समान हैं जो डरते हैं। यीशु मसीह तो कह दिया कि मत डर। और यदि हमें कभी भी ऐसा महसूस होता है कि हमें डर लग रही है, विश्वास कीजिए, आप प्रार्थना करिए इस बात के लिए और यीशु मसीह से कहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इस डर को निकाल दीजिए। ये जो माहौल चारों तरफ दिख रहा है, इस बात के लिए आप दुआ कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। आंधी तूफान क्या, ये बड़ी से बड़ी महामारी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। आमीन। ये समय जब हम इस वचन को सुने हैं, एक बार फिर से अंत में मैं आपको याद दिला दूं कि जो स्टार्टिंग में मैंने वचन कहा था, उसे आप जरूर स्मरण करें और इस वचन के साथ आप दुआ करें। वो वचन क्या था, याद कीजिए, वो वचन कौन सा था, याद आया? वो वचन था यशायाह 41:10। इसे अपने मन में याद कर लीजिए, ताकि जब भी आप प्रार्थना करें, ये एक साथ कहें। आइए हम लोग जब प्रार्थना करें, इस वचन के साथ क्लेम करें कि परमेश्वर जब हमें यह ढाढ़स देता है या विश्वास देता है कि वह हमारे साथ है, तो क्यों ना हम इस वचन को बोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। सभी अपने मनों को तैयार करें, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे पिता। इस दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं प्रभु इस महामारी से, कितने लोगों की तबीयत खराब है और कितने लोग तो अच्छे भी हो गए पिता, लेकिन आपने उन सब से अलग हमें रखा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग प्रभु आज हमारे साथ ऑनलाइन है, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना करता हूं पिता कि इनके जीवन में प्रभु हर एक डर की बातें खत्म, क्योंकि आपने तो वचन में कह दिया है, जैसा यशायाह 41:10 में आपने कहा है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक। पिता हम यह विश्वास करते हैं कि अब हम इधर उधर ताकने के बजाय हम तुझ पर फोकस करेंगे पिता। ये जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, इन सबों पर आपका अनुग्रह होने पाए, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है पिता कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु दया कर, हम हर एक जन के ऊपर दया कर, हर एक के ऊपर पिता। जो भी वचन आज हमने सुना, इस पर आप अपनी आशीष को दें। इस वचन के द्वारा हमें प्रभु जो भी बातें सीखने को मिले, हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाए पिताजी। हम अपना मन, अपनी हर एक चिंता, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना व्यवसाय, अपना जॉब, हर कुछ पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें डर लगता है प्रभु, लेकिन हमें माफ कर दीजिए पिता। यदि हमारे अंदर जरा से भी विश्वास की कमी हुई है, तो हमें माफ कर दीजिए। हम उन चेलों के समान नहीं बनना चाहते जो प्रभु आप उनके साथ थे, फिर भी वो डर रहे थे। लेकिन पिता ये समय जब हम आपके वचन को जान चुके हैं, हम जानते हैं पिता आप हमारे साथ हैं और आप हमेशा हमारी रक्षा और रखवाली करते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो ना कभी सोते हैं और ना कभी ऊँघते हैं। पिताजी हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन। मेरे आज हमने सत्य भाई के मैसेज में सुना कि किस प्रकार से जब चेले डर जाते हैं, आंधी तूफान आती है, यीशु मसीह उन आंधी को शांत करता है। मेरे प्रियो अभी पूरे संसार में एक बड़ी आंधी छाई हुई, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर निश्चय उसको भी शांत करेगा।
आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए एक सत्संग करें जिसका बोल है, दाऊद ने गोलियत को मारा। आप लोग सभी कोई अपने स्थान में खड़ा हो जाइए और ये गाना को गाते हुए हम लोग एक सत्संग करें। दाऊद ने गोलियत को गोपन से है मारा। दाऊद ने गोलियत को गोपन से है मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच पत्थर नदी से उठा के एक पत्थर मारा। पांच पत्थर नदी से उठा के एक पत्थर मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। बल से नहीं, सावत से नहीं, बुद्धि से नहीं, तीर से नहीं, बल से नहीं, सावत से नहीं, बुद्धि से नहीं, तीर से नहीं, पांच पत्थर नदी से उठा के एक पत्थर मारा। पांच पत्थर नदी से उठा के एक पत्थर मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोपन से है मारा। दाऊद ने गोलियत को गोपन से है मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। मेरे प्रिय, आइए हम इस अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं। आइए हम इस ऑनलाइन संडे को, संडे स्कूल को खत्म करेंगे और इस गीत को गाएंगे, डरबे ना मनवा यीशु तोर माचे आए। रिवाइवल सॉन्ग में इस गीत का आप लोग निकाल सकते हैं, गीत नंबर 1186 और नया में है S86। डरबे ना मनवा यीशु तोर माचे आए। डर भी ना मनवा, डर भी ना मनवा यीशु
सहारा दे गए वादा के तो ही निभा देगा। सब अपने घर में वापस गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करें। पाप के छोड़ दे यीशु के अपना बे सहारा दे दे वादा के तो ही निभा दे। सर्विस आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे प्रिय ऑनलाइन सर्विस का उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो हम लोग से दूर हम उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं और इस ऑनलाइन संडे सर्विस के थ्रू हम उनसे मिल पा रहे हैं। मेरे प्रियो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और मैं अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मैं चाहूँगा कि अगला संडे हम इसी वक्त पर फिर आप लोग से मुलाकात करें। धन्यवाद। आइए हम इस अंतिम प्रार्थना को करेंगे और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम आँखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को फिराएं। हे जीवित कार्य पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर वाकई में तेरा अनुग्रह था कि इस समय पर हम इन प्रियों को मिल पा रहे हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि हम जिस प्रकार पिता परमेश्वर हम आज की सर्विस को करने पाए पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर के आने वाले समय में पिता परमेश्वर इस तरह की सर्विस लोगों को देने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर तो हमें बल बुद्धि और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर ताकि इस समय पिता परमेश्वर हम अपनी सर्विस को पिता परमेश्वर आपके लिए कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर जो लोग हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे पिता परमेश्वर होने दे कि तू उन्हें अपने सुरक्षा में बांधे रख पिता परमेश्वर और आने वाले समय में पिता परमेश्वर जब ये लॉकडाउन हट जाएगा पिता हम उनसे फिर से भेंट मुलाकात कर सकें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर मेरे बोलने से पहले सारी बातों को जानता है और जो बात हमने बोल कर नहीं मांगे लेकिन तो जानता है भलाई की है। इस भलाई की प्रार्थना को इस भलाई की योजना को पिता परमेश्वर हमें से हर एक को दिया कर और ये दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जैसा सुनना प्रभु जी और स्वर्ग के राज में ग्रहण करना आमीन। ये हमारे पिता तुझ स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राजा प्रक्रम और मैं सदा तेरी है आमीन। यीशु सारा।